तो यार डॉक्टर स्टेन मिलेन खोल के बैठ गया, उसके भी तो और बच्चे होंगे बेचारे के। ओ याबू याबू धोखे लग गया धोखे से, याबू याबू कभी धोखे से लग गया वो आज पहले इसकी किन्ना बता रहा चोरी चकारी के नाम लग गया तो क्या कर लोगे तुम। सही बात है, हमेशा नेगेटिव रहिए तू, ये ना पॉजिटिव सोच लो थोड़ा बहुत। ये कौन सी बात है भाई, पॉजिटिव सोचता है बंदा तो पॉजिटिव होता है। जानवर जानवर एंट्री खराब कर दिया। हाय एवरीवन, दिस इज हादिया खान, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाली हूँ उस वीडियो का नाम है फिल्म शूटिंग 2 in 1। तो आपको पता है TRP की भी वीडियो आ चुकी है और हर्ष बेनीवाल की भी आ चुकी है और अब इनकी आ गई। ये लोग एक साथ ही मतलब एक दिन के गैप से वीडियो पोस्ट करते हैं, अपलोड करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे आपस में मिले मुझे लगता है। अच्छा तो चलो अब इनकी भी देखने थे, बाकी तो वीडियो बाकी लोगों की तो वीडियो मैंने देखी हुई है, TRP की भी देखी हुई है और क्या कहते हैं हर्ष की भी देखी हुई वीडियो, तो अब इनकी देखते हैं। अभी अभी भी मुझे हंस रही क्यों है वो, मैं खंभे से हंस रही हूँ इसके मुँह देखो कैसे मैं। चलो अब स्टार्ट करते हैं। अरे यार गुलफाम भाई मुझे ना पता लोकेशन कहाँ से मिलेगी कहाँ से ना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी तुम ही करो। अबे यार कम से कम ये तो बता दो किस टाइप की लोकेशन चाहिए तुम्हें। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस देखी? अरे मैंने देख रखी है, वही तो डॉक्टर साहब तो स्पेलिंग बताइए इधर ने डॉक्टर साहब की देख रखी है लोकेशन। आज तो बस मैंने देख रखी है यार, तो इनकी दवाई लेकर आए परसों। किस चीज की? इनके पास तारा किडनी में हां ये कब हो गया? वो तो ये जाने का हुआ। ओ देख रही है तुमने एवेंजर एंडगेम? हां उसमें जो थैनोस उसके हाथ में 5वीं वाली स्टोन है, लोकेशन की बात कर रहे हैं, इनकी किडनी में से लिया है भाई। अरे मुझे क्या पता, मैं तो बेहोश पड़ा था। अबे तो बेहोश कर दिया तुझे, अरे कहीं काम ना सीख ले। ओ यार डॉक्टर स्टेन मिलेन खोल के बैठ गया, उसके भी तो और बच्चे होंगे बेचारे के। ओ याबू याबू धोखे लग गया धोखे से, याबू याबू कभी धोखे से लग गया वो आज पहले इसकी किन्ना बता। क्या कह रही देखो मर गया आप और मैं कर लेगा जल्दी जल्दी पता तो बता दो तुझे हम दोनों क्यों आ रहे हो, ये भी तो हमारे साथ में ही है इसे ही मारो। यार भाई साहब यार टेंशन में यार ये दोनों बेचारे। वो बात ये है ना लोकेशन ना मिलनी हमें, हमें एक मूवी शूट करनी है बड़े बजट की, तो लोकेशन ना मिल पा रही यार इस वजह टेंशन में है सबके सब। टेंशन हाँ लोकेशन इसे पता होगा शायद। अरे भाई साहब मैं दिखाऊं लोकेशन मतलब क्या है लोकेशन में मिलने से मतलब ना अपने को। मैं कह रही हूँ ये फ्रॉड आदमी है, इसको भरोसा मत करो। भाई साहब यार तुम लोकेशन दिखाओ यार, बताओ। हाँ चलो तो फिर आओ भी आओ, मानो हमारी बात, मैं पहले बता दे रही हूँ डुब्बा का ये। हाँ डुब्बा ने दिए जाओ, पता हो ये कैसी लगी लोकेशन? वही लोकेशन तो है वो ना, आप ऐसा करो परमिशन का इंतजाम करवाओ। अरे परमिशन कैसे मत लो यार, वो तो मेरे पास रखी है परमिशन कल के लिए भी। आप 10,000 रुपये टीम कर दो। 10,000 रुपये क्यों? अरे यार वो थोड़ा देना पड़ता। यार तुम लोकेशन चेक करो, पैसे को देख रहे हो यहाँ पे, इतनी बड़ी लोकेशन होगी तुम्हें। ठीक है मैं कर दूंगा, आप चिंता मत करो। मुझे भी लगे फ्रॉड है बंदा इसमें ऐसा बना। अरे भैया मैंने कह तो दी मैं कर दूंगा। भैया आपकी टीम कहाँ रह गई है, अभी तक आई ना? वो बात ये ना हमारी टीम काफी बड़ी है, इसी वजह से मैं वैनिटी वैन लेनी पड़ गई। ओ हाई लेवल शूट है अपना? हाँ बहुत हाई लेवल है। वो बात ये ना बैठने में दिक्कत पड़ती है, तो इस वजह से आराम से बैठ कर आ रहे होंगे। भैया अपनी वैनिटी वैन? हाँ यार भैया लग तो मेरी रही यार ये।
अल्लाह कोई जाना गाड़ा भैया जल्दी जल्दी तो जाओ अल्लाह मतलब अल्लाह सही लग रहा है शूट पे जा रहे हैं आ जाओ शूट पे अपनों काफी दिक्कत आई थी तो मैं चाहता हूँ इस बार कोई दिक्कत ना आए जिसकी वजह से अपना शूट वूट रुके तो सही तरीके से काम करना सबको मिल बैठ के अरे यार डायरेक्टर साहब खाना और मंगवा लो बड़ी भूख लग रही है बोल बाबा अब साला ढीले कैमरा खोलता नहीं है पहले तुझे खाना चाहिए एक लाख मसाले आगरा पहुंचा दूंगा तुझे अबे डायरेक्टर साहब इधर समझा दे कि ना अबे बावला कौन है खाना मांगता रहा जब देखो खाना मत मांगे कर हमने मांगने का भी छोड़ दे यार बेचारे को तुम कह रहे हो तो ठीक है चलो चलो शूट लगाओ अपना चलो उठो सब डॉक्टर जी वो कोई दिक्कत दिक्कत तो नहीं पड़ रही बता दीजिए जरा ना कोई दिक्कत ना सीन स्टार्ट करवाऊं जरा मैं है ना मैं भी कह रहा था वो 10,000 रुपये एडिम कर देते यार जरा है ना 10,000 रुपये करो डॉक्टर साहब हाँ कर दो डायरेक्टर साहब यहाँ की परमिशन लिखित में चाहिए अरे ये बता अपने लोगों को शूट होने से मतलब है ना शूट होने से क्या मतलब है अगर पुलिस आ गई कुछ और आ गया चोरी चकारी का नाम लग गया तब क्या कर लोगे हमेशा नेगेटिव रही है तू ये ना पॉजिटिव सोच लो थोड़ा बहुत ये कौन सी बात है पॉजिटिव सोचता है बंदे तो पॉजिटिव होता है बड़ा हरामी डायरेक्टर है यार ये साल में 20 रुपए ना निकल यार खाने के लिए अब तो तू अपनी दूसरी इनकम बना ले ना जो तुझे खाना वो खा मैं कैसे बनाऊं दूसरी इनकम सोर्स ओक्टा एफएक्स है ये क्या है ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है ओक्टा एफएक्स ब्रोकर की तरफ से कर सकता है 35 करेंसी पेयर गोल्ड इंडाइसेस क्रिप्टो वो भी बिना किसी कमीशन के और इसमें अभी टिकट गिव अवे 2022 चल रहा है जिसमें तू जीत सकता है 1,00,000 से ज्यादा के प्राइजेस तुझे मिलेगा स्क्रैच कार्ड और जो तुझे चाहिए वो जीटने का मौका पर यार मैं कैसे करूंगा ट्रेड इसमें तेरे जैसे बिगनर्स के लिए वो लोग प्रोवाइड करते हैं एजुकेशनल कंटेंट वेबिनार्स 24/7 सपोर्ट और एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यू कॉमर्स के लिए वो है डेमो अकाउंट कॉन्फिडेंट फील करते ही स्विच करना है रियल अकाउंट में रियल प्रॉफिट के लिए और तू बस 3,000 से स्टार्ट कर सकता है यहाँ पर ये मेरा प्रॉफिट मेरे बैंक में कैसे आएगा मतलब मेरे पास कैसे आएगा बहुत इजी है जो भी तेरा प्रॉफिट हो डायरेक्टली विड्रॉ कर ले बैंक कार्ड बैंक अकाउंट UPI क्रिप्टो वॉलेट और कई सारे ऑप्शन है पर तुझे लगता है मैं कर सकता हूँ ओक्टा एफएक्स के साथ कोई भी कर सकता है तो जा डिस्क्रिप्शन में लिंक आएगा वहां से जाके डाउनलोड कर और अगर तू मेरा प्रोमो कोड यूज करेगा WINE100 तो तुझे मिलेगा 100% एक्सक्लूसिव बोनस अभी अकाउंट डाउनलोड ले यार हाँ तुझे डाउनलोड कर और मजे ले हाँ इस फिल्म का हीरो मैं ही ये मूवी मुझे मिल गई तो समझ लो हिट है ये एक सेकंड को ना हट रही हूँ सीन ही सीन है इस पूरी मूवी में मेरे विलन का रोल हीरो का रोल आंटी का अंकल का नौकर का चाकर का सीन ही सीन है मेरे ओबे क्यों कर रही है यहाँ पे फिल्म बना रही हूँ चला से घर की क्या फिल्म बना रही हूँ दीदी बत्ती बीज दिखे पागल है अरे लाइट्स कैमरा एंड एक्शन ये दुनिया चलो चल वट आ जा हट क्या हो गया आ ये तो हीरो है अबे सीन तो देने देता है इसे जब तो हीरो बनेगा डायरेक्टर साहब अगर ये फिल्म करेगा तो मैं जा रहा हूँ ऐसा करो रुक रुक हट जा अरे राम ना करियो तुम आओ भाई तुम मनो हीरो अभी तो मैं क्या करूँगा हाँ तो भाई रेडी हो रेडी हो कैमरा रोलिंग एंड एक्शन बैंक का वार मारू क्या हो गया पहले पैर कह रहा है मेरे साले का सुवर ही बना दूं इसका अबे रुकियो अबे रुकियो रुकियो सब यहाँ को ए यहाँ को यहाँ को यहाँ को आओ डायरेक्ट यहाँ को क्या चल रहा है क्या हो गया ये भाई साहब सुअर बना के दिखाएंगे दिखाओ
ना ना हम भी देखेंगे, दिखाओ सुअर बनाकर दिखाओ, हम देखना चाहते हैं कैसा बनाओ। शूटिंग में देर क्या है, फिर कोई नहीं फंड आएगा बीच में। कल को बनाऊंगा भाई साहब। क्यों आज की छुट्टी है? सीखा हूँ ना। ऐसा है कान पर नटका मार दिया गुनगुना होतेगा मेरा भतीजा हाथ मत लगा दिए। चलो 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 देखो भाई ये वाला सीन बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस वाली मूवी का, क्योंकि इस वाले सीन में विलन अपनी माँ से इजहार करता है, वो भी साइलेंट मोड में, तो किसी को भी कोई भी छूट नहीं करनी है, नहीं तो वो फिल्म से निकल जाओ। समझ गए? चलो भाई कैमरामैन सीन ले। गौतम गाता जानवर आपका, खड़े खड़े खुजा रहे हैं, पड़े पड़े खुजा रहे हैं, रातों को खुजा रहे हैं, उठ उठ के खुजा रहे हैं, खुजाते खुजाते कपड़े फाड़ लिए, खून निकाल लिए, इसके लिए दवा आती है मेरे भाई। कंपनी का प्रचार, आप लोगों का फायदा, ना खाने में मजा ना पीने में मजा, हाय खुजली तेरे खुजाने में मजा। क्या हो गया भाई, सीन क्यों ना कर रहा है? साथ में जितने भी भाव हुए ना सब मुझे आधे घंटे के अंदर अंदर चाहिए यहाँ पे।
फौरन पहुंच। नमस्ते सर। तू यहीं खड़ा हुआ क्या? आपने बुलाया था सर। कौन है तू? सर जी यहाँ पे कैसे बैठी है? बाकी साथी अंदर इसके इसे बंदा डालो। ये नाबालिग है, इस वजह से मैंने अपने पास भी डाल लगा पंखे में। कौन कह रहा नाबालिग है? झेलम भी साबित ले जा। अरे बदतमीज, गुंडी गुंडी बातें करके आया होगा, तमीज नहीं है तुझे? चल अंदर पहुंच। इधर सर। हाँ इधर। ओके सर। बढ़ जाऊं सर। अंदर बढ़ जा। ताता, ताता। लगा लूं सर। पिटेगा ये। लगा ले चल अंदर से, लगा ले। लगा ले चल अंदर से, लगा ले। इस वाले कोने में बैठे हूँ सर। रुक जा, आ रही हूँ मैं। ओके सर। अरे तू भी जरा संटी दे, ये सब बताऊंगा कहाँ बैठना। सबके मोबाइल और बैग जब्त कर लेंगे, इस वजह से मैंने अपना मोबाइल ऐसी जगह दुखाया, पूरा थाना भी ढूंढेगा ना तब भी नहीं मिलने का। अरे ये लैटरिन में फोन कौन छोड़ गया? मेरा है सर। ऐसा हर चीज मत बोले करो, चल काउंटर बदल लिए, जमा हो गया भैया। ठीक है सर। ये तो पूरे थाने वालों से ना मिल लिया था फोन। बन गई वीडियो, नाबालिग के साथ कर दिया था, बन गई है दरोगा। अब भेजूंगा कमिश्नर साहब को, है नाबालिग के साथ कुछ चाहिए है। डिलीट कर इसे। सॉरी सर, सर फोन तो दे दो। अरे तू मेरे फोन लेकर आया? नहीं सर, ये फोन ना लेकर आया। सर फोन दो, कब लेकर आया था फोन? सर जी था तो फोन। चले जाए, काम बता, काम के काम है। अरे सर देखिए सर, मैं तो लाइन ड्यूटी सर हूँ, ये जो लोग आपने बंद किए ना लोगों में, और ये सर मैं इनके साथ हूँ सर। सर सर इन्हें छुड़वाने आया हूँ। अरे दुबे एक और भागो हुआ, ये भागो हुआ वाला, पकड़ इसको भी, डाल अंदर। आप एक काम करो, मेरे साथ चलिए, मैं आपको अंदर बिठालता हूँ, ठीक है? अरे कहीं नहीं, मैं तुम्हें भाभी से कहूंगा। रुक जा, दे तो रही हूँ 50 का नोट, ये पकड़, नहीं मॉल के अंदर किसी को आने मत देना, ठीक है? छोड़ गया तू।
लेके दो खींच के भाग क्यों है ये? सर तबीयत खराब हुई थी मेरी सर, चेक कर लो यार। यहाँ कोई है? देखो तेरी तबीयत खराब कैसी हुई थी। देखो इतना कमजोर केस पकड़ा मैंने लोंडिया के चक्कर में, वो भी लोंडा निकला। एक काम कर, 30,000 रुपए में मामले रफा दफा करवा दे, चल जा। 30,000? मैं बात करता हूँ भैया जी, कोई दिक्कत तो नहीं पड़ रही? एसी की हवा आ रही है। अरे सॉरी अब आ गया तू? डायरेक्टर साहब ये है पॉजिटिव सोच इनकी। अब चलो हमारी निगेटिव सोच ही, तुम्हारी तो पॉजिटिव ही। आज पड़े दो जेल में। भैया जी आप अभी ना चुप करा लो। अम्मा ने यार तो हमारा अपना भैया यार, कुछ बात कर ले भैया जी। ठीक है मैं एक बार कोशिश करता हूँ। अरे दलपत सिंह जी वो तो बहुत गरीब लोग है बेचारे, बाहर से यहाँ करना है बड़ी मुश्किल से, बड़ी ही मुश्किल से एडजस्टमेंट कर रहा है सर। आप भी थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। चल तो एक काम कर, 5,000 रुपये कम दिलवा दे। अरे सारी 5,000 दे रहे हैं वो। चल बे चुपचाप चले यहाँ से। अबे डाल बे इसे भी डाल। अरे सर 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 मैं बात करूँगा ना एक बार, एक मैं कह रहा था मेरा 1% याद रखना। हाँ अच्छा चलो, बड़ा आराम ही यार। बात करने गया हूँ, 40,000 रुपये बढ़ा दिए। 40,000 रुपये किस बात के? मजदूरी करने की। अबे तो तुम मुझे करी क्यों यहाँ? भैया जी मैं तो मना रहे थे, हाथ पे जोड़ लेता उसके मारे मुझे और बनाऊंगा। डायरेक्टर साहब मैं बता दे रही हूँ, मूसली मार दिया, मूसली बाज है बहुत तगड़ा वाला। अबे तू नेगेटिव इंसान, चुप रहे तू ऐसा कर, हम दे देंगे। ठीक है मैं हाथ पे जोड़ता हूँ उसके। दलपत साहब मैंने बात कर ली है उनसे, बड़ी ही मेहनत मुशक्कत से 15,000 रुपये माने वो, बहुत हाथ पे जोड़े मैंने, और उसमें से 3,000 रुपये हुए मेरे और 12,000 रुपये मैं आपको खुद आपके घर पहुंचा के जाऊंगा। मुझे पैसे अभी चाहिए। सब चीज थाने में सही नहीं है, बंदा रहे हैं, कैमरे लगे थे, वो भी कैमरा लग गया सामने। कल आपको मैं खुद देकर जाऊंगा, विश्वास करो उस पे। बड़ी ही पैर जोड़े, हाथ पैर जोड़े साले के मैंने, वो 70,000 रुपये में। 70 में? मैं तो 60 में गई उससे। भैया जी आप 60 दे दीजिए, बाकी 10 मैं कर दूंगा अपने पास से। प्लीज आप, मुझे अच्छे नहीं लग रहा आप सब यहाँ पर। चलिए आप बहुत अच्छा आदमी दे दो बैठ के साहब। चलो चलो भैया जी बैकअप क्या हुआ, शूट क्यों नहीं कर रहे? अबे अपनी सूट करवा गए तो साले, एक सूट पे तुमने हमें जेल कटवा दी। डायरेक्टर साहब अब कर डायरेक्ट फांसी करवा गए। अबे साले जब से हमारी शूटिंग स्टार्ट हुई ना, जब से नेगेटिव बोलता आ रहा तू। इतना बढ़िया इंसान है, कितनी मदद कर दी इसने हमारी, तूने करी आज तक इतनी मदद, बता है हमारे बुरे वक्त में कौन काम आया? लोकेशन किसने दिलवाई? 10,000 रुपये किसने दिए? अरे जेल से कितने छुटवाया? जेल कौन लेके गया साले? 10,000 रुपये कौन दे देता बताओ? कितनी बड़ी रकम दी इसने अपने पास से, इसके पास से 20 रुपये निकले ना। बोल दिया फालतू साले जाहिल। भैया जी मैंने अपनी प्लेटें बेच दी 10,000 रुपये की। हाँ बता, प्लेटें बेच दी इसने अपनी, तू बेच देता? हाँ भाई दलपत साहब के पैसे क्यों ना पहुंचवाए अभी तक? कौन से पैसे? पैसे तो दे दिए इसने। किसे दे दिए, कब दे दिए? ड्रामा बना रहा, बोल लगाइए जरा। कॉल लगाने वाली कौन सी बात है, इसने अपने हाथों से दिए पूरे 70,000 रुपये। अबे बताओ किस कदर का मुसलीब आज है तू? अबे वहाँ दरोगा साहब तो 15,000 रुपये बात कर गया, जिसमें से 3,000 की मुसलीब इसकी खुद की है। अमन जी भैया क्या कर रहे हैं भाई? से भी बता ना भैया। I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. Hello guys! Guys, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को सबसे पहले एक लाइक कर दो, और गाइस चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट करके बताओ कि वीडियो के अंदर बेस्ट पार्ट कौन सा लगा। और गाइस
तो वीडियो तो अच्छी थी, आपको पसंद आई तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, और जिस जिसने टीआरटी की वीडियो नहीं देखी वो भी जाकर देखो, जिसने ये नहीं देखी तो इसको भी मैंने रिएक्शन दे दिया, देख लो कमेंट में बताना, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, बाय।